أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ख़वातीन हज़रात, आज का जो टॉपिक हमारे ज़ेर नज़र है वो औलाद के मुतालिक है। जो शख्स औलाद से मायूस हो चुका, उसकी औलाद ना हो रही हो, तो उसके लिए कुरान में क्या चीज़ है कि उसको क्या पढ़ना चाहिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ये पढ़ने के बाद आपको औलाद साहिब औलाद बनाएंगे। तो करना क्या है कि आपने हर नमाज के बाद तीन मर्तबा ये जो मैं आपको बताने लगा हूँ ये पढ़ना है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको साहिब औलाद बनाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन वअंत खैरुल वारिसीन। ये आयत आपने तीन मर्तबा हर नमाज के बाद पढ़नी है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको साहिब औलाद बनाएंगे। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनके साथ ये प्रॉब्लम चल रहे हैं, इसका अजर आपको भी मिलेगा और हमें भी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। खुदा हाफिज़।